बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूँ मुज्तबा शेख। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। जेलम में वॉक ब्राय सदादे डेंगी की गई। वॉक डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से शुरू होकर जिला नाजम ऑफिस पहुंचकर एहतदाब पजीर हुई, जिसमें ADC, RCEO हेल्थ समेत जिले अफसरान ने शिरकत की। सराय आलमगीर में जमीन के तनाजा पर मुखालफीन ने मेहनत कश की जान ले ली। थाना सराय आलमगीर में मकतूल के भाई कैसर महमूद की मदयत में मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मजाहमिया रियाज के अहदेदारान की जानिब से फलस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें अहदेदारों और कारकुनों ने शिरकत की। समुंदरी में आलमी हफ्ता बराए रोड सेफ्टी मनाया गया। आगाही वॉक का इनेकाद और पम्फलेट भी तकसीम किए गए। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताते चलें कि MM5 न्यूज़ की खबर पर इंतजामिया का एक्शन। सरदार बेगम टीचिंग अस्पताल सियालकोट में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर में एक काउंटर था, जिसके बाईस शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना था, जिस पर MM5 न्यूज़ ने खबर नशर की और इंतजामिया ने MM5 न्यूज़ की खबर पर एक्शन लेते हुए कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर में 3 काउंटर्स बना दिए, जिस पर शहरियों ने MM5 न्यूज़ का शुक्रिया अदा किया। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं राना मोहम्मद खलील। जी, इस वक्त मैं सरदार बेग अस्पताल वैक्सीन सेंटर में मौजूद हूँ। इससे कबल के एक काउंटर पे काम हो रहा था, अब इसको 3 काउंटर लगा दिए गए हैं। पिछले दिन जब MM5 की टीम ने जहाँ आके लोगों को मसाइल को उजागर किया, तो MS सिविल अस्पताल वालों ने आके इनके 3 काउंटर कर दिए। अच्छी से आए जो वैक्सीन लगवाने वास्ते, अगे तो बड़ी प्रॉब्लम थी, तो हूँ 3 काउंटर इन्हें लाए ने, बड़ा बेहतरीन इंतजाम है। असं भी लगा ली जी, मतलब वैक्सीन। हाँ, इधर बहुत आसानी है, हम आए हैं वैक्सीन लगवाने। पहले एक काउंटर था, 3 है, ईजिली लग गई है, कोई टेंशन नहीं हुई। ये बहुत हम शुक्र गुजार हैं MS5 के, न्यूज़ के जिन्होंने इधर आके जो है ना हमारी जो है ना इधर वजह को प्रॉब्लम को हल किया है। इधर रश इतना था कि ये पूछ नहीं रहे किसी को, इन्होंने आके जो है ना डिफेंस किया हमारा। यहाँ पे आने वाले शहरियों को परेशानी से दूर होगी है और वो MM5 का उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। राना मोहम्मद खलील, MM5 न्यूज़, सियालकोट। जेलम में वॉक ब्राय सदादे डेंगी की गई। वॉक डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से शुरू होकर जिला नाजम ऑफिस पहुंचकर एहतदाब पजीर हुई, जिसमें ADC, RCEO हेल्थ समेत जिले अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर CEO हेल्थ का कहना था कि कोरोना वबा के साथ साथ डेंगी से बचाव और आगाही ज़रूरी है, क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों में डेंगी लार्वा की मौजूदगी का पता चला है, जबकि वॉक से पहले सेमिनार भी मुनक्कद किया गया। 33 केसेस इस वक्त जो है वो डेंगी के रिपोर्ट हो चुके हैं पंजाब में, जबकि 19 में इस वक्त तक जब एपिडेमिक हुआ था तो सिर्फ 14 केसेस थे। तो इसलिए फिर कोरोना तो आपको पता है ही है, उसके साथ साथ हमें ज़रूरत ये समझ की है कि हम कोरोना के साथ साथ डेंगू से बचाव के भी अपनी इंतजाम सारे कर लें। तो आज का दिन मनाने का मकसद ये है कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए, और हम यहाँ मीडिया के थ्रू भी, बैनर्स के थ्रू भी, हैंडबिल्स के थ्रू भी सब तक ये मैसेज पहुँचाएँगे कि डेंगू से बचाव का वाहिद जरिया यही है कि हमने अपने माहौल को साफ और खुश कर देना है। अरे खुदा ना खास्ता, ये इस तरह का इशू नहीं है कि इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा बजट चाहिए या ये हमारे आम जो घर के अंदर हम इकदाम करते हैं, जैसे हाफ स्लीव्स शर्ट्स ना पहने, शॉर्ट्स ना पहने, जिसम के ये जो हाथ या पाँव हैं इन एरियाज़ को एक्सपोज ना करें, कोई मच्छर भगाओ जैसे कोई लिक्विड्स होते हैं या रिपेलेंट्स होते हैं, मॉस्कीटो रिपेलेंट्स, आप वो लगा लें। घर में इंश्योर करें कि ACs, पुराने वाटर कूलर्स या कहीं ऐसी जगह पे पानी इकट्ठा ना हो, क्योंकि ये सारा एक फ्रेश वाटर जो ये मॉस्किटो है डेंगी, इट्स अ फ्रेश वाटर मॉस्किटो। सराय आलमगीर में ज़मीन के तनाज़ा पर मुखालफीन ने मेहनत कश की जान ले ली। थाना सराय आलमगीर में मकतूल के भाई कैसर महमूद की मदयत में मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। 2 अफराद गिरफ्तार। बड़े भाई ने ज़मीन की खातिर छोटे भाई को कत्ल करवा दिया। थाना सराय आलमगीर पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के बाद वर्सा के हवाले कर दी। इस हवाले से मकतूल के भाई और वालदा ने मीडिया से बात की। आज
आज जब कि इन्होंने एक साल हो गया हमारी ज़मीन कब्ज़ा किए, जब हमने कहा कि अब हम आपको ज़मीन नहीं दे सकते, हमारी मजबूरी है। उन्होंने कहा हमारे रिसोर्सेज बहुत हैं, हमारे तालुकात बहुत हैं, हमारे जनाब इधर थाना कचहरी इधर हम सब खरीदे हुए हैं, हमारे बड़े ऊँचे तालुकात हैं, तुम लोग हमारा कुछ नहीं कर सकते। ज़मीन भी साड़ी है तो कब्ज़ा वो करने से पे असी ज़मीन गए अस आखे अपना हिस्सा ठीक है जमाइया का लै लैन साडा छोड़ देने हिस्सा, तो मार कतल भी सानू किया, साड़ी कोई सुनाई नहीं ना थनदार कोई आए, मैं थनदारे दे पैरें जुतियां दे मैं सिर सटे लो। पुलिस का अंधे कत्ल के मुलजमान की गिरफ्तारी का दावा। तफ्तीशी पुलिस ने तहरे कत्ल के असल मुलजमान को भी गिरफ्तार करके अदालत से सजाएं दिलवाईं। मजीद तफसीलात जानते हैं जिला हंगू में अपने नुमाइंदे जाहदुल्लाह बंगी से। जी हंगू तफ्तीशी पुलिस महदूद वसायल के बावजूद अहम मुकदमात की जदीद खतूत पर तहकीकात करके मुलजमान को न सिर्फ गिरफ्तार कर रही है बल्कि मजबूत तहकीकात की बदौलत इन्हें सजाएं भी दिलवा रही है। जिला कुरम से पंजाब मंशियात की बड़ी खेप स्मगल करने के समेत दर्जनों मुकदमात में तफ्तीश का अमल इंतहाई महारत और सरगर्मी से जारी है। इन ख्यालात का इजहार SP इन्वेस्टिगेशन अरशद महमूद खान ने अपने दफ्तर में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन शबराज खान, इंस्पेक्टर दोस्त मोहम्मद और दीगर तफ्तीशी अफसरान भी मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए SP इन्वेस्टिगेशन अरशद महमूद खान ने कहा कि पिछले 3 माह के दौरान हंगू की तफ्तीशी पुलिस ने 1 दर्जन से ज्यादा कतल, इकदामी कतल, अगवा, मनशियात की स्मगलिंग, चोरी डकैती की मुकदमात में तफ्तीशी अमल को मुकम्मल किया और मुलजिमान की गिरफ्तारी करके मजबूत प्रोसिक्यूशन के जरिए मुलजिमान को अदलिया के जरिए सजाएं भी दिलवाई। उन्होंने कहा कि 10 मई को एक पहाड़ से एक शख्स की कत्ल शुदा लाश मिली। इस अंधे कत्ल की वारदात की असल मुलजिमान तक पहुंचना एक बड़ा चैलेंज था। इस मकसद के लिए इंस्पेक्टर शबराज खान की क्यादत में तफ्तीशी टीम ने दिन रात काम किया और 2 असल मुलजिमान को हर जाविये से तहकीकात मुकम्मल करने के बाद न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि इनसे आला कत्ल भी बरामद किया। जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मज़ाहमिया रियाज के अहदेदारान की जानिब से फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया जिसमें अहदेदारों और कारकुनों ने शिरकत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मज़ाहमिया रीजन के सदर मुबारक अली भट्टी ने कहा कि दुनिया में अमन के लिए फ़लस्तीन और कश्मीर का हल और मज़ालम का खात्मा लाजम हो चुका है। हम पाकिस्तानी फ़लस्तीनी और कश्मीरी बहन भाइयों के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं और अक़वामे मुत्तहिदा से अपील करते हैं कि इसराइल फौरी तौर पर निहत्ते फ़लस्तीनियों पर मज़ालम ढाना बंद करे ताकि कीमती जानों का ज़िया रोका जा सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस से बारिश अली, नुमान तारिक, रहमत अली और दीगर ने भी फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती किया। हम कल भी फ़लस्तीन भाइयों के निशाना बिशाना खड़े थे और आज भी फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़े हैं। हम UNO से अपील करते हैं जो फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है इसराइल का उसे रोकें। हम पाकिस्तान की पूरी अवाम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं, इंशाल्लाह जो भी हो सका हम उसके लिए आवाज़ उठाएंगे इंशाल्लाह। हम फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़े हैं, हम सब पाकिस्तानी फ़लस्तीनी अवाम के साथ हैं। हम UNO से अपील करते हैं कि जो फ़लस्तीन में इसराइल का जुल्म हो रहा है उसे रोका जाए। फ़लस्तीनी बहन भाइयों के शाना बिशाना खड़े थे और आज भी इसराइली जारियत के ख़िलाफ़ फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़े हैं। फ़लस्तीन की इस दुख घड़ी में हम पाकिस्तानी शाना बिछाना उनके साथ खड़े हैं। समुद्री में आलमी हफ्ता बराए रोड सेफ्टी मनाया गया, आगाही वॉक का इनकाद और पम्फलेट भी तकसीम किए गए। आलमी हफ्ता बराए रोड सेफ्टी के सिलसिले में इंतजामिया की जानिब से आगाही वॉक का इनकाद किया गया जिसकी क्यादत DSP नज़र अब्बास, इंचार्ज रेस्क्यू मोहम्मद इम्तियाज़ अली ने की। तहम वॉक में अलफजीलत फाउंडेशन के रजाकारों ने भी शिरकत की। इस मौका पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके हादसात से कैसे बचा जा सकता है, रोड लाइट्स और इंडिकेटर के इस्तेमाल के रोड रूल्स के बारे में भी आगाही दी गई। अब रुख करते हैं ज़िला विहाड़ी की तहसील मेलसी की तरफ जहां मटन बीफ महंगा होने की वजह से अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर था ही एक ब्रायलर मुर्गी का गोश्त ही था जो 150 से 200 रुपए किलो फी मिल जाता था। अब ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत भी आसमान से बातें करने लगी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मेलसी की गोश्त मार्केट में मौजूद अपने नुमाइंदे मुदस्सर हुसैन से। जी मुदस्सर, क्या तफसीलात हैं बताइएगा। जी हाँ, गरीब पहले ही आटा घी चीनी की कीमतों से तंग तो थे ही, मटन के गोश्त का गरीब सिर्फ ख्वाब ही देख सकता था, मगर अब मुर्गी के गोश्त की कीमतों में भी भरपूर इजाफा गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए मजीद परेशानी का सबब बन रहा है। अफसोस की बात यह है कि 150-200 रुपये फरोख्त होने वाला मुर्गी का गोश्त 500 तक जा पहुँचा है और ये भी गरीबों की मौत से दूर होता दिखाई दे रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेलसी के मेन बाजार में, मजीद शहरियों से जानते हैं उनका इस बारे क्या कहना है। ये मुर्गी वालों ने जी गोश्त आप खुद महंगा कर रहा है, तो लिहाजा मेरी अपील है गवर्नमेंट से कि ये एक्शन ले इस बारे में
और हमारी फौज को पूछा है गरीब आदमी से। आपको मैं जब पंजाब इमरान खान से गुजारिश है, वजीर आजम साहब से, इतनी महंगाई हो गई है, इससे पहले कभी महंगाई नहीं हुई। सफेद पोश सबका, जो गरीब आदमी मजदूरी करता है उसको रोटी एक टाइम का खाने भी मुश्किल। गरीब आदमी मजदूर आदमी सारा दिन मेहनत मजदूरी करते हैं, बच्चों के लिए एक पाव गोश्त भी खरीदना बहुत मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल इनका कहना है बच्चों को मुर्गी का गोश्त महंगा होने की वजह से नहीं खिला सकते, हुकूमत महंगाई को फौरी कंट्रोल करे जी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही, मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MM5TV.com।